दमोह जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सुनार नदी की धार के बीच में फंसी आधा दर्जन से अधिक भैंसों का आखिरकार बेड़ा पार हो गया है। रेस्क्यू करते हुए स्पेशल टीम के अलावा यहां के एक स्थानीय मछुआरे रैकवार की मदद से इन सभी 8 भैंसों को करीब 20 घंटे बाद सुनार नदी की मझधार से बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली गई। आपको बता दें कि कल दोपहर में चरने के लिए गई है भैंसें, शाम करीब 5 बजे नदी के बीच में फंसी होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया था, लेकिन रात हो जाने की वजह से इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका था। लेकिन सभी भैंसों ने समझदारी का परिचय देते हुए अंगद के पैर की तरह यह बाढ़ के पानी के बावजूद जहां फंसी थी वहीं डटी रही, जिसके बाद आज सुबह पुनः इनको निकालने के लिए कवायद शुरू की गई, लेकिन सुनार नदी की तेज धार की वजह से इन्हें बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद मैं यहां पहुंची रेस्क्यू टीम के साथ में कुछ स्थानीय मछुआरों ने भी अपनी मदद की और उसके बाद में देखते ही देखते इन भैंसों को जिस तरह से बाहर निकाला गया वह भैंस मालिकों के साथ यह मौजूद सैकड़ों लोगों के लिए सुखद रहा। कुल मिलाकर जिस तरह से भैंसों का बेड़ा पार हुआ वह सराहनीय है। सुबह 5 बजे पुनः टीम चौकी में आमद दी गई और 5:30 बजे से नदी में रेस्क्यू कार्य किया गया। विगत 5.5 घंटे के रेस्क्यू कार्य के पश्चात सभी भैंसों को सफलतापूर्वक नदी से बाहर निकाला, जिसमें नरसिंहगढ़ चौकी, यहाँ के स्थानीय गोताखोर और हमारी टीम EOC और QRT के द्वारा अथक प्रयास किए।